नमस्कार। ये वीडियो छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सरोज हिंदी पाठमाला में से अध्याय 5 मैं बनी हनुमान पढ़ाऊंगी। ये एक हास्य कथा है। पहले मैं इस पाठ का सारांश कहूंगी और फिर पाठ की व्याख्या करूंगी, ताकि पाठ समझना आपके लिए सहज हो जाए। सबसे पहले आप ये बताएं कि हास्य कथा क्या होती है। एक ऐसी कथा जिसका सहारा हंसने हंसाने के लिए लिया जाए, उसे हास्य कथा कहते हैं। ऐसी कथा जिसे सुनने से श्रोताओं में अर्थात सुनने वालों में आनंद की अनुभूति हो, खुशी का एहसास हो। हमें जीवन में हास्य के महत्व को समझना चाहिए। हंसने हंसाने के लिए लोग नाटक, चुटकुले तथा हास्य कथाओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि हास्य एक ताजी हवा की तरह हमारे जीवन को खुशी और ऊर्जा से भर देता है। कथा से पहले आप ये बताएं कि क्या आपने अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में अर्थात एनुअल फंक्शन में या प्रार्थना सभा में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया है। कार्यक्रम में अगर आपको मन चाहा पाठ ना मिले तो आपको कैसा लगता है? मंच पर जाते समय आप कैसा अनुभव करते हैं? अगर आप किसी नाटक में अभिनय कर रहे हो और अपना पार्ट भूल जाएं, तो आप क्या करेंगे? ये कथा पढ़ने से पहले आप इन प्रश्नों पर थोड़ा विचार कीजिए और मैं आपको इस कथा का सारांश बताती हूँ। स्कूल के वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन में छोटी कक्षा की लड़कियां राम कथा नाटक खेल रही थी। लेखिका उसमें कोई महत्वपूर्ण चरित्र अर्थात कैरेक्टर निभाना चाहती थी। राधिका नाम की लड़की, जो कक्षा की सबसे सुंदर लड़की थी, उसे सीता का पाठ दिया गया था। कद काठी में, हाइट में राधिका से छोटी होने के कारण लेखिका को राम का पाठ तो मिल नहीं सकता था। लेखिका कल्पना करने लगी कि वे लक्ष्मण का पाठ कर लेगी, लेकिन टीचर ने उसे राम की वानर सेना में रखा। इस पर उसने हनुमान बनने की इच्छा जताई, लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं, उसकी आवाज हनुमान बनने के लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। वार्षिक उत्सव के दिन हनुमान का पाठ करने वाली लड़की बीमार पड़ गई। तब टीचर ने लेखिका से हनुमान बनने के लिए कहा। टीचर ने लेखिका को समझाया कि पर्दे के पीछे से मैं जो कुछ बोलूं, तुम उसे दोहराती जाना। मंच पर पहुंचकर लेखिका के हाथ पैर ठंडे होने लगे। वे टीचर द्वारा बोले जा रहे शब्दों को ज्यों का त्यों, एज इट इज, दोहराने लगी। संवादों के अतिरिक्त, डायलॉग्स के अलावा, टीचर द्वारा दिए गए निर्देश भी वह घबराहट में दोहराने लगी। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति, कॉमेडी, उत्पन्न हो गई। अगले अंक में टीचर द्वारा सीता बनी बालिका को बताए जा रहे संवाद, डायलॉग्स, लेखिका ने हनुमान के रूप में बोलने शुरू कर दिए। स्टेज पर रावण के विशाल काय रूप से वह डर गई और अपना मुखौटा उतारकर चिल्लाने लगी कि उसे ना मारा जाए, वह हनुमान नहीं है। ये सब देखकर हॉल में ठहाके, लाउड लाफ्टर ठहाके गूंज रहे थे।
अंत में नाराज होकर टीचर ने उसे स्टेज से हटा लिया। अब आप सरोज हिंदी पाठमाला निकालिए, अध्याय 5, पेज नंबर 42। मेरे साथ साथ पढ़िए, मैं आवश्यकता अनुसार पाठ की व्याख्या करती जाऊंगी। स्कूल के वार्षिकोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई थी। स्कूल में एनुअल फंक्शन की, साल में जो एक ही बार होने वाला उत्सव होता है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। कार्यक्रम में दो नाटक रखे गए थे। एक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बड़ी लड़कियां खेल रही थी, और छोटी लड़कियां राम कथा खेल रही थी। लेखिका के मन में तीव्र इच्छा थी, तेज इच्छा थी कि राम कथा में उसे कोई पार्ट मिल जाए। वैसे उसने पहले कभी नाटक में अभिनय, एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अच्छा अभिनय कर लेगी। राधिका लेखिका की क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। सीता का पार्ट तो उसे ही मिलना था। लेखिका राधिका से छोटी थी, ऊपर से उसकी आवाज तीखी और महीन थी, इसलिए राम बनने की बात तो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने सोचा, लक्ष्मण बनने में कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन तो वह इसी कल्पना में, इमेजिनेशन में खोई रही। सोचती, धनुष बाण लेकर लक्ष्मण के रूप में वे कितनी अच्छी लगेंगी। माता पिता भी सोचेंगे, अरे वाह, उनकी बिटिया में इतने गुण हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था। एक दिन लेखिका की टीचर ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाकर कहा, मैंने नाटक में तुम्हें भी पार्ट दिया है, तुम्हें वानर सेना में रहना होगा, राम की मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर लेखिका बहुत निराश हुई। उसने कहा, क्या मुझे हनुमान का पार्ट भी नहीं मिल सकता? नहीं, तुम्हारी आवाज उसके लिए ठीक नहीं है, शिक्षिका ने उत्तर दिया। अगले दिन नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। लेखिका को तो बस अन्य वानरों के साथ उछल कूद मचानी थी और जोर जोर से रामचंद्र जी की जय, बजरंग बली की जय, श्री राम की जय, वीर हनुमान की जय, यही बात बोलनी थी। आखिर वार्षिकोत्सव का दिन आ गया। सभी बच्चे बड़ी उमंग, जोश में थे। लेखिका ने भी वानर का भेष बना रखा था, लाल कुर्ता, लाल पायजामा, बंदर का मुखौटा। तभी चौकीदार ने एक कागज टीचर को लाकर दिया। उन्होंने उसे गौर से पढ़ा। कागज पर लिखा था, प्रिय बहन जी, मुझे बहुत अफसोस है, दुख है कि अलका के खसरा निकल आया है। उसे तेज बुखार भी है। खेद है कि वह नाटक में भाग नहीं ले सकेगी। नाटक में अलका हनुमान बनी थी। टीचर ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर लेखिका से पूछा, देखो, तुम हनुमान बनना चाहती थी ना, क्या हनुमान का पार्ट कर सकोगी? लेखिका की तो जैसे इच्छा पूरी हो रही थी। उसने गदगद होकर खुशी से, गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बहुत खुशी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर कुछ भूल भी गई तो मैं उसी समय कुछ मन से बनाकर काम चला लूंगी। पर टीचर बोली, नहीं नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, मैं पर्दे के पीछे से बताती जाऊंगी, तुम वही दोहराती जाना, और आवाज जरा तेज और तीखी होनी चाहिए। अच्छा, कहकर लेखिका ने
सिर हिला दिया। तीसरे दृश्य के बीच पर्दा उठा। ढोल पीटने की आवाज के बीच लेखिका को मंच पर धकेल दिया गया। वह मुंह के बल गिरते गिरते बची। कुछ देर तक तो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे लगा जैसे उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हों, अर्थात वह बहुत डर गई थी। फिर उसने अपना मुखौटा ठीक किया, अपना मास्क ठीक किया। एक गर्जती आवाज कानों से टकराई। घबराहट में लेखिका होश हवास खो बैठी। होश हवास खो बैठी का अर्थ है कि उसे अपनी सुध-बुध ना रही। बोलने के लिए उसने मुंह खोला तो गले से आवाज भी नहीं निकली। क्या बोलना था ये भी याद नहीं रहा। तभी टीचर की आवाज कानों में पड़ी। लेखिका भी बिना सोचे समझे वही दोहराने लगी जो शिक्षिका बोल रही थी। लेखिका राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठी बोलती जा रही थी। हे स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, अर्थात आपके लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल सकता हूँ। हे भगवान, तुमने अपनी पूछ तो लगाई ही नहीं, अध्यापिका ने कहा। लेखिका भी वाक्य यों कहती रू एज इट इज दोहराने लगी। राम ने धीरे से कहा, बेवकूफी मत करो, पूंछ तुम्हें लगानी थी मुझे नहीं, तुम उसे लगाना भूल गई हो। पीछे हाथ लगाकर देखा, अपनी भूल सुधारने के लिए बोली, मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। अध्यापिका पीछे से कह रही थी, कूदो कूदो। लेखिका फिर बिना समझे वही दोहराने लगी, कूदो कूदो। राम ने डांट कर कहा, तुम कूदो। दोबारा अपनी गलती सुधारने के लिए लेखिका ने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। तभी जोरदार हंसी के बीच पर्दा गिर गया। टीचर चुप थी। उनका मुंह लाल था, अर्थात वे गुस्से में थी। उन्होंने लेखिका का पाठ काट पीट कर छोटा कर दिया। अब लेखिका को सिर्फ आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। लेखिका की घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा। लेखिका ने अपने वाक्य ठीक से बोले। अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर राम की अंगूठी दिखाई। कहा, माता, राम को तुम्हारी बहुत चिंता है। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, वह अब और वियोग नहीं सह सकती। वियोग का अर्थ है विरह, सेपरेशन। ये कहकर वह दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। सीता अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी लेखिका को लगा कि टीचर कुछ कह रही हैं। लेखिका ने समझा कि उसे ही सब कुछ बोलना है, सीता तो बस रोती ही जा रही है। लेखिका ने जरा ठसके से कहा, नखरे से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है, इसी के कारण वह दुष्ट रावण मुझे उठा लाया और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। सीता चौंक पड़ी, क्या, अरे भुद्दू, ये तुम्हें थोड़े ही कहना था। लेखिका उसकी बातें सुनी अनसुनी की। लेखिका ने उसकी बातें सुनी अनसुनी की का अर्थ है कि उसकी बातें सुनी ही नहीं और अध्यापिका की बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। अब सब देखने वाले हंस पड़े। लेखिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली, अर्थात उसे अपनी गलती का एहसास होने के कारण उसने अपनी जीभ को अपने दांतों के तले दबा दिया।
अचानक स्टेज पर सभी जोर जोर से कहने लगे, महाराज की सवारी आ रही है, महाबली रावण पधार रहे हैं। 6 इंच ऊंची एड़ी के जूते विशाल काय रावण को अपनी तरफ आते देखकर लेखिका हक्की बक्की रह गई। विशाल काय क्या होता है? बहुत बड़े शरीर वाले। हक्की बक्की रह जाना, बोचक्के रह जाना, एस्टोनिश्ड हो जाना। तो बहुत बड़े शरीर वाले रावण को अपनी तरफ आते देखकर लेखिका हैरान रह गई। उसकी ऊंची एड़ी का तब तक उसे पता ही नहीं था। रावण के हाथ में तलवार चमक रही थी, वह लेखिका की तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी गरजदार आवाज ने लेखिका को बुरी तरह से चौंका दिया। ये कौन पिद्दी है? पिद्दी होता है छोटा सा प्राणी, टाइनी। इसने हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की? लेखिका को उसका जवाब गुस्से में देना था कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ। लेकिन रावण तो लेखिका पर चढ़ा ही आ रहा था। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और लेखिका की तरफ लपका। लेखिका चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं हनुमान नहीं हूँ। लेखिका ने झपट कर अपना वानर का मुखौटा उतार कर फेंक दिया। सारे हॉल में हंसी का ठहाका गूंज उठा। गुस्से में टीचर स्टेज पर आई और लेखिका को घसीट कर बाहर ले गई। अब तो हॉल में दर्शकों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये था पाठ मैं बनी हनुमान। प्रिय बच्चों, अब आप ये बताइए कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य ये है कि कल्पना करने और वास्तविकता का मुकाबला करने में बहुत अंतर है। जल्दबाजी, तनाव और आत्मविश्वास की कमी से काम बिगड़ जाता है। इसके लिए आवश्यक है निश्चिंतता और अभ्यास। बच्चों में इसे जागृत किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भीड़ के सामने अपने को प्रस्तुत करना बड़े अभ्यास की बात है। बच्चों में ये गुण विकसित करना ही पाठ का उद्देश्य है। धन्यवाद।